नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एसडीओपी ने ली मेडिकल संचालकों की बैठक। नशे लीड ड्रग कंट्रोल करने के उद्देश्य से एसडीओपी मनोज मिश्रा ने नगर के मेडिकल संचालकों की एक बैठक स्थानीय पटवारी सभागृह में आयोजित की, जिसमें मेडिकल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि सीरीज, एविल, इंजेक्शन आदि प्रतिबंधित दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी को भी ना दें। अगर कोई भी मेडिकल संचालक ऐसा करते पाया गया तो उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेडिकल संचालकों ने पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग देने की बात कही है। इस अवसर पर तहसीलदार जायसवाल, थाना प्रभारी कुमार सिंह मुकाती, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय तिवारी, मेडिकल स्टोर एसोसिएशन से जुड़े सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गंज बासोदा से केकेआर न्यूज के लिए ब्रजेश राठौड़ की रिपोर्ट। आज स्थानीय मेडिकल स्टोर के संचालकों के जो एसोसिएशन है उसके साथ हमने आज यहाँ पे एक सहयोगात्मक बैठक की है, और इस बैठक का उद्देश्य यही है कि जितनी भी प्रतिबंधित घरेलू नशीली दवाएं हैं जो विशेष प्रकार की बीमारियों के लिए उपयोग की जाती है, उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना दिया जाए, और ख़ासतौर पर छोटे नाबालिग बच्चों को बिल्कुल भी प्रोवाइड ना किया जाए। इसके अलावा इस तरह के इंस्ट्रूमेंट भी उनको प्रोवाइड ना किए जाएँ, जैसे इंजेक्शन वगैरह, और कुछ सिरप हैं जो प्रतिबंधित हैं उनको भी खुले मार्केट में उपलब्ध ना कराया जाए। और इसके साथ साथ हमारे पास जो स्थानीय स्तर पर एक सूची प्राप्त हुई है कुछ बच्चों की, जिनके बारे में बताया गया उनके परिजनों द्वारा कि वो नशे के एडिक्ट हो गए हैं, उनको उनकी सूची भी हम लोग मेडिकल एसोसिएशन के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से शहर में नशाखोरी की जो शिकायतें आमतौर पर आती रहती हैं उस पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाने में कामयाब हो सके। बैठकें तो होती हैं सर, बैठक के बाद अगर कहीं कार्रवाई की बात आती है, कोई भी अगर बात होती है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? निश्चित रूप से अभी तक इस तरह की हमारे संज्ञान में नहीं आया है, क्योंकि पिछले दिनों में ये पहली बार इस तरह की बैठक हम लोगों ने आयोजित की है, और पूर्व का मेरे पास कोई इस तरह का अनुभव नहीं है। सर, अगर कोई मेडिकल वाला बेस्ट को पकड़ा तो उस पर क्या कार्रवाई करें? हमने आपको आश्वस्त किया है अपनी मीटिंग के माध्यम से, और एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी बताया है कि इस तरह की सूचनाएं जब भी कभी हमको प्राप्त होंगी आप निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे, और भविष्य में इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाएगी। साथ में हमने ये भी आगाह किया है कि आगामी समय में ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से ऐसी जगहों पर हम लोग रेड भी करेंगे जहाँ इस तरह की दवाइयाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है। सर, कई जो कोरोना के बाद एक हिसाब से नगर में मेडिकल स्टोर में बाढ़ सी आ गई है, और कई मेडिकल स्टोर ये एक एक लाइसेंस पे तीन तीन चार चार मेडिकल स्टोर नगर में संचालित हो रहा है, और इसकी एक पूरी गाइडलाइन होती है, जो कई मेडिकल स्टोर नियम विरुद्ध संचालित हो रहा है, इन पर क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? बिल्कुल, हमने इसी संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाया है जो इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वहाँ से इनकी जाँच पड़ताल पूरी कराएंगे। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक महोदय की ड्रग कंट्रोलर से बात भी हुई है, और जिला दंडाधिकारी और दोनों के माध्यम से बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर कार्रवाइयाँ करेंगे। होलसेलर हैं जो यहाँ पर मेडिकल स्टोर के, वो सेल्समैनों को झोला भर भर के सीरिंज बेचते हैं, वो गांव में सप्लाई होती है। मैंने अभी आप लोगों ने सुना होगा, मैंने सार्वजनिक रूप से सभी से अनुरोध किया है, मेन टू मेन हम लोग निश्चित रूप से ये कार्रवाई नहीं कर पाते हैं कि हर दुकान को हम लोग वॉच कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से जो देहात में छोटी दुकानें चला रहे हैं वो लोग यहाँ से होलसेल से इस तरह की सामग्री ले जा रहे होंगे। हमने सार्वजनिक रूप से एसोसिएशन के माध्यम से वाल्मीकि जी, वाल्मीकि होल्डर होने चाहिए, और एक्सपीरियंस तो क्वालिफिकेशन प्रॉपर हो तो मिल सकता है। एक एक लाइसेंस पे तीन तीन चार चार मेडिकल संचालित हो रहे हैं, तो ये क्या नियम गलत है ना? तो नहीं, हो नहीं सकता, एक लाइसेंस पे एक मेडिकल ही चलेगा, तीन चार नहीं चल सकते। अगर नगर में एक लाइसेंस पे दो मेडिकल नहीं है आपका ये कहना, अगर पाई जाती है तो उनके खिलाफ आप क्या करेंगे? हमारा काम केवल समझाइश देना है, वह तो होता नहीं है ये, और ये प्रशासनिक काम है, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा उसमें। अगर मेडिकल एसोसिएशन का फिर क्या मतलब हुआ, जब आप कुछ कार्रवाई करने के लिए आधिकारिक नहीं है तो फिर क्या मतलब है? ये प्रशासनिक मामला है, ये मेरे अंडर का मामला है, हमारे एसोसिएशन के बायलॉज में नहीं है कि यदि कोई एक
लाइसेंस पे दो दुकानें कर रहा है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सकता है, एसोसिएशन उस पर कुछ नहीं कर सकता। कई मेडिकलों में देखने में आता है बोतल और इंजेक्शन मेडिकलों पर ही लगाए जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहिए आपसे। कई मेडिकलों पर बोतल भी लग रही है, इंजेक्शन भी लग रहा है, दवाइयों को बेचने मेडिकल पर नहीं लग रहा है वो। आपको वीडियो अगर उपलब्ध हो जाएंगे जिन मेडिकल में, हम उन पर कार्रवाई करेंगे उसमें अगर कोई उपलब्ध है। अभी तो आप कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करने के लिए अधिकारिक नहीं है, आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे उस मेडिकल के ऊपर। नर्सिंग होम चलाना प्रशासनिक काम है, प्रशासन उसकी व्यवस्था देखता है, ये हमारे उसमें नहीं है। मेडिकल अगर कोई किसी के नाम पर और मेडिकल में रहने से काम कर रहा है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चलिए एक सादा सिंपल सवाल होगा, अगर किसी मेडिकल पर कोई भी दवाई है जो बिकने की स्थिति नहीं है वो बेची जा रही है और उसके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो क्या आप साथ देंगे मेडिकल में? नहीं, बिकने वाली व्यक्ति है, एक्सपायर अलग रहता है, हमारा अलग खन बना होता है एक्सपायर दवाई का और नियर एक्सपायरी का अलग रहता है, बाकी का दवाई आता है जो एक्सपायर होती है वो बिक जाती है, रिटर्न हो जाती है। कुछ डुप्लीकेट दवाइयाँ भी आती हैं, जेनरिक दवाइयाँ भी बेची जाती हैं। दवाइयाँ डुप्लीकेट नहीं होती भाई साहब, केवल जेनरिक दवाई होती है, इथिकल दवाई होती है। जेनरिक दवाई जेनरिक रेट पर जाती है, इथिकल दवाई इथिकल रेट पर आती है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।